अलीम खान ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर इल्जामात उन्हें टीवी पर मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अलीम खान और जहांगीर तरीन का मकसद इख्तदार में आने के बाद फायदा उठाना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि अलीम खान अपनी 300 एकड़ जमीन लीगल करवाना चाहते थे, जबकि जहांगीर तरीन का मसला शुगर कमीशन था। इमरान खान के इल्जामात पर रद्द अमल देते हुए अलीम खान ने कहा कि इमरान खान का इंटरव्यू देखा। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि अलीम खान 300 एकड़ जमीन लीगलाइज करवाना चाहता था। मई 2010 से 2018 तक ओपोजिशन में इमरान खान के साथ खड़ा रहा। ये सोसाइटी 2010 में भी मेरे पास थी, जो आज भी मेरे पास मौजूद है। इमरान खान मेरे वालिद की वफात पर इस सोसाइटी में आए थे। उनका कहना था, क्या 10 साल पहले मुझे पता चल गया था कि इमरान खान 2018 में वजीर आजम होंगे? मेरे पास 300 एकड़ नहीं 3000 एकड़ जमीन है। मैंने जमीन एक्वायर नहीं करवाई, बल्कि प्राइवेट जमींदारों से खरीदी है। ये जमीन अब रोड के पास है, ये अथॉरिटी इमरान खान ने बनाई। ये जमीनें रोडा ने सरकारी कीमत पर खरीद कर प्राइवेट डेवलपर्स को कैसे दी? अलीम खान का कहना था कि अब तफ्तीश शुरू होनी चाहिए कि ये जमीनें किन डेवलपर्स को दी गईं। सरकारी रेट पर खरीद कर जमीनें मनपसंद प्राइवेट डेवलपर्स को दी गईं। एलडीए के वाइस चेयरमैन के रिश्तेदार भी क्या उनके साथ शामिल हैं? सरकारी रेट पर जमीन एक्वायर करके प्लाजे बनाए गए। अगर रोडा के तहत उनका गोल्फ कोर्स बन सकता है तो अलीम खान की सोसाइटी क्यों नहीं? अगर रोडा प्रोजेक्ट ब्राउन है तो वहीं मेरी जमीन कैसे ग्रीन हो गई? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।